हुण गल करदे हां भारतीय हवाई कंपनी एयर इंडिया की मालकी टाटा ग्रुप को जान नाल कैनेडियन पंजाबियों के मनां विच उम्मीद जागी है। नाल दे नाल जेड़े पंजाबी अमेरिका वसदे ने उन्हां दे मनां च वी उम्मीद जागी है कि नवे मालक कैनेडा ते अमेरिका तो अमृतसर लई सिद्धियां उड़ाणा जरूर चलाउणगे। एयर कैनेडा लई कई सालां तो टोरंटो अते वैनकूवर तो दिल्ली लई सिद्धियां उड़ाणा चलाईयां जा रहीयां ने। सूत्रां अनुसार भारत सरकार वल्लों अमृतसर दी प्रवानगी नहीं दित्ती जांदी। हवाई टिकटां दे कारोबारियां तो पता लगा है कि कैनेडा तो दिल्ली जाण वालियां उड़ाणा विच 80 तो 85% यात्री पंजाब दे ही हुंदे ने। उन्होंने दसा कि वैनकूवर तो दिल्ली सीधी उड़ाण ते एयर कैनेडा का एका अधिकार होण कारण उसका किराया अक्सर आम तो ज़्यादा हुंदा है, तां वी उसके जहाज भरे ही आउंदे जांदे हन। ट्रैवल कंपनियां दा मनना है कि टाटा ग्रुप पंजाबियों के मन जितण विच जरूर यतन करेगा। फ्लाई अमृतसर मुहिम के सह कन्वीनर अनंत दीप सिंह ढिल्लों ने दसिया कि उन्होंने पूरा भरोसा है कि कंपनी का संचालन मिलन मगरों टाटा ग्रुप अमृतसर तक सीधिया उड़ाणा के मामले बारे गौर करेगा। सिडनी ते दिल्ली विचाले उड़ाणा 6 दिसंबर तो शुरू हो जा रही ने ते नाल दे नाल कैनेडा वालों अंतरराष्ट्रीय सफर वास्ते मनाही भी खत्म कर दी गई है। कोविड महामारी के चलदियां पिछले वरे तो उड़ाणा बंद कर दित्तियां गईयां सन आस्ट्रेलिया विच अते सिर्फ कुछ चार्टर हवाई सेवावां ही सन। आस्ट्रेलिया की सब तो वड्डी एयरलाइन क्वांट के सीईओ एलन जॉयस ने वड्डा ऐलान किया कि 6 दिसंबर तो सिडनी दिल्ली विचाले हवाई उड़ाणा शुरू हो जाएगियां। ये उड़ाणा हफ्ते विच 3 बार आउण जाण करनगियां। अगले वरे तो यह उड़ाण हर रोज़ होएगी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दसिया कि इस उड़ाण विच आस्ट्रेलिया के पक्के रिहायशी कोविड रोकू वैक्सीन लै चुके ही सफ़र कर सकेंगे, भाव उही लोग सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने कोविड-19 के टीके लग चुके ने, वो वैक्सीनेट हो चुके। ये फ्लाइट सिडनी तो डार्विन होंदी हुई दिल्ली जाएगी और आते समय दिल्ली तो सिडनी आएगी। इतने ये दसण योग है कि आस्ट्रेलियन पक्के वसनीक हज़ारों में ने जिहड़े अजे भी भारत तो वापस आस्ट्रेलिया आने की राह तक रहे हैं। इस उड़ान नाल क्रिसमस से कई परिवार इकट्ठे होकर रोशनी का त्यौहार मनाएंगे। तो हुण गल करते हैं कैनेडा की। कैनेडा सरकार ने देश वासियों तो गैर जरूरी कारणों लई विदेशों जाण की मनाही खत्म कर दिती है। कैनेडा वासी लोगों नू समुद्री सफर तो सावधान किया जा रहा है, पर सड़की रेल और हवाई रस्ते देश विदेश जाण की कोविड तो पहला वांग खुल दे दिती गई है। इस दे नाल ही कोविड करके सेहत नाल संबंधित पाबंदियां जारी रहणगियां, जिस विच कोविड टेस्ट करवाउणा अते टीकाकरण का सबूत कोल रखना शामिल है। इसे दौरान बीते कल कनेडा सरकार ने टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी लोगों वास्ते ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिता, जिस नाल विदेशों दाखले समय मान्यता होएगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी बीते कल ओटावा विखे सांझी पत्रकार वार्ता च कहा कि देश में कोविड कारण खुसे रोजगार के मौके कामियां नूं दोबारा उपलब्ध हो चुके हैं, जिस करके लोगों हुण कोविड कारण दिते जा रहे सरकारी लाभ खत्म किए जा रहे हैं।